दोस्तों, जब से भारत ने प्राइवेट कंपनियों को रक्षा निर्माण में उतरने की इजाजत दी है, तब से भारत की प्राइवेट कंपनियां भारत को फायदा पहुंचा रही है। भारतीय सशस्त्र बलों को उन्नत और शक्तिशाली हथियार तो प्रदान किए ही जा रहे हैं, बल्कि विश्व के अलग अलग देशों को रक्षा निर्यात करके भारत के सकल घरेलू उत्पाद और अर्थव्यवस्था को बढ़ाने में भी काफी अहम भूमिका निभा रही है भारत की प्राइवेट कंपनियां। भारतीय रक्षा निर्यात के क्षेत्र में आज एक और काफी बड़ी सकारात्मक खबर निकल कर सामने आई है, जिससे ये पता चलता है कि भारत कैसे बहुत तेजी से एक रक्षा निर्यातक देश बनकर सामने आ रहा है। क्योंकि भारत की रक्षा निर्यात करने की रफ्तार लगातार तेज होती जा रही है। जहां पहले हम बंदूक या बंदूक की गोली को भी बाहर देशों से मंगाते थे, आज हम बंदूक तो क्या लड़ाकू विमान और बड़ी बड़ी मिसाइलों को विश्व के अलग अलग देशों को देने की बात करते हैं। तो चलिए जानते हैं रक्षा निर्यात के क्षेत्र से कौन सी धमाकेदार खबर निकल कर सामने आई है। लेकिन दोस्तों, उससे पहले मेरी आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल नोटिफिकेशन को अवश्य दबा लें, जिससे हमारी आने वाली डिफेंस और वर्ल्ड अफेयर से जुड़ी ऐसी लेटेस्ट वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। दरअसल दोस्तों, खबर आ रही है कि टाटा एडवांस सिस्टम लिमिटेड ने अफ्रीकन डिफेंस फोर्सेस को टैक्टिकल एंड कॉम्बैट सपोर्ट ट्रक, जो कि हाई मोबिलिटी प्लेटफॉर्म है, उनकी डिलीवरी शुरू कर दी है। दोस्तों, टाटा ने इन ट्रकों को ऐसे बनाया है कि इन्हें किसी भी सैन्य जरूरत के हिसाब से बदला जा सकता है और इसके अंदर नई चीजें लगाई जा सकती है। यह हाई मोबिलिटी ट्रक बड़ी आसानी से सैनिक और उनके सामान के साथ साथ कई अलग अलग तरीके के सैन्य उपकरणों को भी अपने साथ ले जाने में सक्षम होंगे। मिलिट्री ट्रक को बनाने का कारोबार विश्व में काफी ज्यादा बड़ा है और इसमें काफी ज्यादा मुनाफा भी है। इसीलिए टाटा मोटर्स लिमिटेड ने अपना यह बिजनेस टाटा एडवांस सिस्टम लिमिटेड को बेच दिया था, ताकि वे आराम से सैन्य ट्रकों के बिजनेस के ऊपर ध्यान दे पाए और विश्व में भारत में बने हुए स्वदेशी ट्रकों को दुनिया के देशों तक पहुंचाए, जिससे भारत को मुनाफा होगा और भारत की अर्थव्यवस्था भी मजबूत होगी। साल 2020 में टाटा को सैन्य ट्रकों का अपना सबसे बड़ा ऑर्डर मिला था और ये ऑर्डर थाईलैंड की सेना की तरफ से आया था, जिसमें थाईलैंड ने भारतीय कंपनी टाटा को 600 मिलिट्री हाई मोबिलिटी ट्रक का ऑर्डर दिया था। टाटा एडवांस सिस्टम लिमिटेड भारतीय सेना, भारतीय वायुसेना, भारतीय नौसेना और भारतीय पैरामिलिट्री फोर्सेस को मिलिट्री ट्रक सप्लाई करने के मामले में कुछ सबसे बड़ी प्राइवेट कंपनियों में से एक है और टाटा द्वारा बनाए गए सैन्य उपकरण काफी ज्यादा उन्नत और भरोसेमंद भी होते हैं। लेकिन अब टाटा केवल भारतीय सशस्त्र बलों तक ही सीमित नहीं रहने वाला, बल्कि टाटा विश्व के अलग अलग देशों को सैन्य उपकरण सप्लाई करना चाहता है, जिसमें मुख्य तौर पर आर्मर्ड व्हीकल, हाई मोबिलिटी प्लेटफॉर्म और ऐसे अलग अलग तरीके के स्पेशलाइज्ड मिलिट्री व्हीकल होंगे, जिसमें उनका सबसे बड़ा टारगेट सार्क, एशियन कंट्री, संयुक्त राष्ट्र और अफ्रीकन देश हैं। अफ्रीकी देशों में अपने उन्नत और भरोसेमंद सैन्य उपकरण देकर भारत ये भी सुनिश्चित कर रहा है कि अफ्रीका में चीन का जो प्रभाव है उसे कम किया जा सके और अफ्रीकी मार्केट में जो सैन्य उपकरण की जरूरत है उसमें ज्यादातर हिस्सा भारत ही पूरा करे। क्योंकि अफ्रीकन सैन्य मार्केट एक ऐसा मार्केट है जहां पर ज्यादा उन्नत और घातक हथियारों की जरूरत नहीं है, बल्कि यहां पर केवल बेसिक हथियारों की ही जरूरत पड़ती है, जैसे कि मिलिट्री ट्रक्स, आर्मर्ड व्हीकल, कुछ रॉकेट सिस्टम और आर्टिलरी जैसे हथियार। इसके अलावा अफ्रीकी देशों में हल्के हेलीकॉप्टर और हल्के लड़ाकू विमानों की भी डिमांड रहती है और भारत इसे भी पूरा करने की क्षमता रखता है। यही वजह है दोस्तों कि अगर बात करें अफ्रीकी देशों की, तो भारत के पास हर वो सैन्य उपकरण स्वदेशी रूप से मौजूद है जिसका इस्तेमाल हम अफ्रीकी देशों को देकर अफ्रीका में अपना प्रभाव बढ़ाने में कर सकते हैं। बहरहाल दोस्तों, बढ़ते हैं हमारी दूसरी खबर की तरफ। ये खबर काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है क्योंकि ये खबर हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड से निकल कर आ रही है, जहां पर ये बात अब पूरी तरीके से कंफर्म हो चुकी है कि हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड अब एक नए तरीके के ट्रेनर लड़ाकू विमान को बनाने वाला है। इस विमान का नाम है HLFT-42। ये विमान वैसे तो एक ट्रेनर विमान ही होने वाला है, लेकिन ये आम ट्रेनर विमानों से काफी ज्यादा अलग और एडवांस होगा। दरअसल दोस्तों, एडवांस ट्रेनर एयरक्राफ्ट और एक असली लड़ाकू विमान के बीच में जो दूरी होती है, इसे ही भरने के लिए हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड अपने नए ट्रेनर एयरक्राफ्ट HLFT-42 का निर्माण कर रहा है। ये विमान इतना ज्यादा एडवांस होने वाला है कि इसका इस्तेमाल एक असली युद्ध में भी किया जा सकेगा। यानी कि इस विमान पर ट्रेनिंग करने के बाद एक पायलट को हर वह जानकारी मिल जाएगी जो एक असली फाइटर विमान में उसे उड़ाते समय चाहिए, क्योंकि ये बिल्कुल एक असली फाइटर जेट होगा, बस इसका इस्तेमाल ट्रेनिंग के लिए किया जाएगा। HLFT-42 भारतीय वायुसेना के लिए काफी महत्वपूर्ण विमान होने वाला है, क्योंकि इससे हमारी पायलटों को ट्रेनिंग देने की क्षमता और ज्यादा सुधरेगी और हम पहले से भी ज्यादा अच्छे और ट्रेन पायलट को बना पाएंगे, जिसका फायदा हमें एक असली युद्ध के दौरान होने वाला है। सबसे अच्छी बात तो यह है कि इस विमान का इस्तेमाल लड़ाई में भी किया जा सकता है, इसीलिए ट्रेनिंग के साथ साथ ये भारत की कॉम्बैट कैपेबिलिटीज को भी बढ़ाएगा। बहरहाल दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही, लेकिन भारत की टाटा कंपनी के लिए कमेंट बॉक्स में एक जय हिंद तो बनता है, साथ ही हमारी आने वाली डिफेंस और वर्ल्ड अफेयर से जुड़ी ऐसी लेटेस्ट वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लें, जिससे हमारी आने वाली वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। फिर मिलेंगे ऐसी एक नई वीडियो के साथ। धन्यवाद। जय हिंद।